वेलकम बैक टू माय चैनल रोबस बाजार। आज हम बात करेंगे एक और अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो कि इसी महीने आने वाला है। इसकी डिटेल्स जानेंगे। इसका नाम है ई मुद्रा लिमिटेड। इंडिया की लार्जेस्ट लाइसेंसिंग सर्टिफाइंग अथॉरिटी है। ये किस फील्ड में काम करती है? इनके दो पार्ट हैं, दो वर्टिकल्स हैं, डिजिटल ट्रस्ट सर्विस और एंटरप्राइजेस सॉल्यूशन। ई मुद्रा इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ई मुद्रा जो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है मैं आपको बताना चाहूँगा। इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशनल सर्टिफिकेट्स, डिजिटल सर्टिफिकेट्स, एसएसएल टीएलएस सर्टिफिकेट और डिवाइस सर्टिफिकेट। इनके पोर्टफोलियो में डिजिटल सिक्योरिटी और पेपरलेस ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस ये देती है काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को और छोटी छोटी कंपनीज को भी। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है, वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग भी, आईटी पॉलिसी असेसमेंट एक्सेट्रा। कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में, काफ़ी एक्सपर्टाइज है इनकी और काफ़ी बड़ी बड़ी जो ब्राउज़र्स हैं हमारे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ब्राउज़र है, मोजिला ब्राउज़र है, एप्पल है, एडोब है। इनके रिनाउंड जो भी काफ़ी सारे रिनाउंड ब्राउज़र्स हैं वो इनके इस कंपनी को सजेस्ट करते हैं। जब हम ब्राउज़र में कुछ भी चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं तो एप्पल, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब ई मुद्रा को सजेस्ट करता है कि यहाँ से आप अपने डिजिटल सिग्नेचर्स बनवाएं, डिजिटल आइडेंटिटीज़ बनवाएं, आप अपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी को जो आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं वो ई मुद्रा से करें। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी इस्टेब्लिश कंपनी है। कंपनी का 50 मिलियन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट थ्रू द नेटवर्क ऑफ 88,450 चैनल पार्टनर्स। इनके 50 मिलियन डिजिटल सिग्नेचर जो सर्टिफिकेट्स हैं उसका जो चैनल है 88,457 इनके चैनल पार्टनर्स हैं जो कि पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। अगर हम बात करें 30 दिसंबर 2021 तक तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 36,233 रिटेल कस्टमर्स हैं इनके, 563 इनके एंटरप्राइजेस हैं। आगे जाते हैं हम। As of September 30, 2031, ई मुद्रा एंटरप्राइज सॉल्यूशन आर यूज बाय द टॉप 10 बैंक्स। आप देख सकते हैं इंडिया के 10 बड़े बैंक इनकी सर्विसेज यूज़ करते हैं। 6 टॉप ऑटोमेटिक कंपनीज भी हैं, 19 ऐसी कंपनीज टॉप कंपनीज हैं अमंग अस द 500 रैंक कंपनीज इन इंडिया बाय इकोनॉमिक टाइम्स इन फाइनेंशियल ईयर 2020। 2020 में भी इंडिया की टॉप 500 कंपनीज थी जिसके 19 कंपनी ऐसी थी जो इनकी सर्विसेज यूज़ कर रही हैं। कंपनी की अगर हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो कंपनी इज़ दी लार्जेस्ट लाइसेंसिंग सर्टिफाइंग अथॉरिटी इन इंडिया। हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि सर्टिफाइंग डिजिटल सिग्नेचर में एक काफ़ी बड़ा बूम आने वाला है और एक ओनली कंपनी है, एक सिंगल कंपनी है बस ये, इसके अलावा ऐसी कोई कंपनी नहीं है। The company is a one-stop shop solution provider in secure digital transformation, is well poised to capture the favorable industry dynamics in India and globally. इनका काम इंडिया और ग्लोबली दोनों जगह है। टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेशन में, एक्रीडिएशन में, मेंबरशिप इन इंटरनेशनल बॉडीज़। अब इनकी बात करते हैं। टेक्नोलॉजी बैक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट क्वालिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एंड सॉल्यूशंस। डाइवर्स एंड लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रोइंग कस्टमर बेस भी है इनका। पार्टनरशिप विद लीडिंग इंडियन एंड ग्लोबल चैनल पार्टनर्स। इंडिया के कुछ चैनल पार्टनर्स और बाहर के कुछ चैनल पार्टनर्स को मिला के इनका काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। एक्सपीरियंस प्रमोटर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सीनियर मैनेजमेंट है, काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है इनके पास। इनके आगे इनके फाइनेंशियल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इनके टोटल जो असेट हैं जो 31 मार्च 2019 को थे 1195, 31 मार्च 2020 को हो गए 1580 के आसपास, 31 मार्च 2021 को 1919, अब आप देख सकते हैं 31 दिसंबर 2021 को 2541 रुपये के आसपास हो गए थे। रेवेन्यू में भी इनने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है, 1016 से 1160 के आसपास, फिर 1324, फिर 1383 के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हुआ है। ई मुद्रा का ऑब्जेक्टिव क्या है ये आईपीओ लाने का? तो मैं आपको बता दूं, रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट ऑफ ऑल सर्टेन बोरोइंग्स। इनने कुछ बोरोइंग्स मार्केट से उठाई होंगी, कुछ लोन वगैरह उठाए होंगे जिसको रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करने के लिए इनको ज़रूरत पड़ेगी आईपीओ, मतलब इस आईपीओ से जो पैसा मिलेगा उसको पेमेंट करने की, और कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी इनको। परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स एंड फंडिंग ऑफ अदर रिलेटेड कॉस्ट फॉर डेटा सेंटर प्रपोज टू बी सेटअप इन इंडिया एंड ओवरसीज लोकेशन। कुछ इक्विपमेंट्स और कुछ इनके डेटा सेंटर्स हैं जहाँ पे इनको खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे इन लोग इस पैसे को यूटिलाइज करेंगे। फंडिंग ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो भी कुछ एक्सपेंडिचर होती हैं उसको फंड करने के लिए, उसको उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए, या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे खर्चा होता है तो उसको भरपाई करने के लिए। इन्वेस्टमेंट इन ई मुद्रा एनसी फॉर ऑगमेंटिंग इट्स बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स, मार्केटिंग एंड अदर रिलेटेड कॉस्ट फॉर फ्यूचर ग्रोथ, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। अब इनके बात करते हैं ई मुद्रा आईपीओ की शेयर प्राइस की बैंड साइज़ क्या है। 243 से 256 पर शेयर, 58 का लॉट साइज़ होगा। आईपीओ की अगर इसकी इशू साइज़ की बात की जाए तो 412 करोड़ का है। फ्रेश इशू 161 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 251.79 करोड़ का है। अब आप देख सकते हैं इसकी ओपनिंग होने वाली है 20 मई को, क्लोजिंग प्राइस क्लोजिंग डेट है इसकी 24 तारीख को। 20 तारीख से 24 तारीख के बीच में खुलेगा ये आईपीओ। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 27 तारीख को आपको पता चल जाएगा। अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आपको रिफंड हो जाएगा 30 तारीख को। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट 31 तारीख को आपके डीमैट में क्रेडिट हो जाएगा, और 1 जून को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। अब हम बात करते हैं कि इस आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। इस आईपीओ में अगर आपको पैसा लगाना है तो एक लंबी अवधि के लिए लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छी वेल एस्टेब्लिश कंपनी है, मोनोपोली बिजनेस है, काफ़ी अच्छा मतलब चैनल पार्टनर्स हैं इनके, रिटेल कस्टमर्स भी काफ़ी सारे हैं, और बड़े बड़े टॉप बैंक्स हैं 10, और 6 टॉप ऑटोमोटिव कंपनीज भी हैं। तो मेरे हिसाब से इस आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर द शॉर्ट टर्म, फॉर द लिस्टिंग एंड ऑल्सो, और फॉर द लॉन्ग टर्म ऑल्सो। आईपीओ का जो बैंड प्राइस है 243 से 246 के आसपास, तो ये ऑलमोस्ट फेयर बिल्कुल फेयर वैल्यू है। मुझे ऐसा लगता है कि इस आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए बिना डरे। लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी अगर आप देख रहे हैं तो आपको लिस्टिंग गेन ज़रूर मिलेगी इस आईपीओ में, तो मेरे हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह मशवरा करें, फिर इन्वेस्ट करें। थैंक यू सो मच।